नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को लगे झटके के बाद से अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार 24 सितंबर की रात को छत्रपति संभाजी नगर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार से मुलाकात की। वहीं बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, बैठक सकारात्मक रही और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं महायुद्ध में सीट बंटवारे को लेकर जब सीएम शिंदे से सवाल किया गया तो सीएम ने कहा, जल्द ही सीट शेयरिंग पर फैसला लिया जाएगा। आपसी समन्वय के साथ बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। बता दें, अमित शाह दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर मंगलवार को छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर मंथन कर रही है। महायुति गठबंधन में बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार मंगलवार रात को एक होटल में हुई बैठक में अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए, जबकि बाद में एनसीपी चीफ अजीत पवार और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी बैठक में शामिल हुए। बैठक देर रात करीब 12:30 बजे तक चली। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि महायुति गठबंधन के घटक दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों में से 70-80% सीटों पर चुनाव लड़ने पर आम सहमति बन गई है। उन्होंने संकेत दिए कि टिकट बंटवारे में जीतने की क्षमता मेन क्राइटेरिया होगी। वर्तमान विधानसभा बीजेपी 103 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद शिंदे की शिवसेना के 40, अजीत पवार के एनसीपी के पास 41 और कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के 15, एनसीपी एसपी के 13 विधायक हैं, जबकि अन्य 29 हैं और कुछ सीटें खाली हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।